सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इकदाम का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद में भी नुमाया कमी वाक़ हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इकदाम किए जाएँ। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा। और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 2 टीयर होंगे, 1 से 17 ग्रेड तक एडॉक, 1 से 16 तक जो एडॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% हो, 17 से 22 तक जो एडॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोजन हैं या उनमें उनको डेफर किया गया, वो 6 के करीब है, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ड्यूटी स्टेशन जो बाहर सरकारी सफ़र और रात के क्याम के लिए जो एक डेली अलाउंस हम देते हैं, वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है, उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज अलाउंस, ये जो डेपुटेशन पे आपको एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है, वो भी काफ़ी सालों से 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए, उसमें भी 50% का इजाफा है। ऑर्डरली अलाउंस होता था 17,500, वो भी काफ़ी मदद से फ्रोजन है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। स्पेशल कन्वेंस जो डिसेबल्ड है उनके एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस होता था, वो उसको 100% इजाफा करके 4,000 रुपये किया जा रहा है, वो पहले 2,000। कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री, ये जो 7,000 रुपये था इसको बढ़ाकर 14,000 रुपये किया जा रहा है। जो मजाज पेंशनर का एक ड्राइवर अलाउंस होता था कि जो पेंशनर्स हैं उनको यानी एक ड्राइवर के ल्यू में उनको जो रकम 14,000 मिलती थी, उसमें भी काफ़ी सालों से एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसको 21,000 रुपये किया जा रहा है। अब मेन जो आइटम है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है, इस पर भी मैं समझता हूं कि काबीना ने बड़ी सैर हासिल डिस्कशन डिबेट के बाद और माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए जितने हमें चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, क्योंकि जो सरकारी पेंशन है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनकी जो इजाफा हुआ है ये टैक्सेबल में इनको ऐड होते हैं, यानी ये रेगुलर इनका प्रोसेस होता है, सरकारी पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वो क्लीन जो अगर 100 रुपये मिल रही है आप अगर 17% कहेंगे तो उनको 117 मिलना शुरू हो जाए। वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए उनकी मदद के लिए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन एक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक से जो 16 हैं 35% और 17 से 22 30%, पेंशनर जो हैं जितने उनकी 17.5% फ्लैट। इसी तरह जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसको मिनिमम वेज यानी कम उजरत वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपये किया जा रहा है, 25,000 से बढ़ा के 32,000 रुपये किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपये है, और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है और उसको वो इंक्रीज करें, तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कन्फर्म किया है, वो अपना अपने लीगल कोडल प्रोसेस
वो पूरी कर रहे हैं, वो 8,500 EOB है वो उसको 10,000 किया जा रहा है।